पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर देश में एक ऐसी जनजाति रहती है जिसका शादी करने का रिवाज हर किसी को हैरान कर देता है। दुनिया भर के शादी को लेकर तरह तरह के रिवाज और मान्यताएं होती है। भारत में खुद शादी को लेकर कई तरह के रिवाज होते हैं जिसे जानकर लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन आज हम आपको शादी के ऐसे रिवाज के बारे में बताते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर देश में एक ऐसी जनजाति रहती है जिसका शादी करने का रिवाज हर किसी को हैरान कर देता है। इस जनजाति में किसी भी व्यक्ति को शादी करने के लिए किसी दूसरे की पत्नी को चुराना पड़ता है। इस अजीबोगरीब रिवाज के चलते लोग एक दूसरे की बीवियों को चुरा लेते हैं और उनके साथ ब्याह रचाते हैं। नाइजर की इस जनजाति का नाम वोदाब्बे जनजाति है। दूसरे की बीवियों को चुरा कर शादी करना इस जनजाति के लोगों की पहचान बन चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि इस जनजाति में पहली शादी माता पिता द्वारा करवाई जाती है, लेकिन लड़का और लड़की का उसी वंश का जरूरी होना होता है। वोदाब्बे जनजाति में पहली शादी के बाद दूसरी शादी के लिए किसी की पत्नी को चुराना जरूरी होता है। अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उससे दूसरी शादी करने का अधिकार भी नहीं मिलता। यदि व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी को चुराता है और उसका पहला उस महिला के साथ नहीं रहना चाहता है तो चुराने वाला व्यक्ति सामाजिक रूप से उसका पति हो जाएगा। हर साल गेरवोल नाम से एक फेस्टिवल का आयोजन होता है। इस आयोजन के दौरान लड़के सज धज कर अपने चेहरे को रंग लेते हैं। इसके बाद डांस और तरह तरह के अजीबोगरीब गतिविधियों से दूसरे की पत्नी को कोशिश करते हैं। वहीं इस दौरान यदि कोई महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ भाग जाती है तो उस समुदाय के लोग दोनों को ढूंढ कर उनकी शादी करा देते हैं। इस दूसरी शादी को प्रेम विवाह के तौर पर मान्यता दी जाती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।